जो मेरे घर वाले दे डिस्क टूटी निशान मार्को कंपनी जो मैं बीमार पे मैंने 4 महीने हो गए ब्लीडिंग बहुत होंगी मेरी कोई दवाई दारू कोई नहीं कोई भैन भरा मेरी मदद करे किसी तरह भी कर मैं पाकिस्तान जो मैं आई हूँ पाकिस्तान नजर जिला टोबा टैक्स तहसील गुजरा जिला टोबा टैक्स चेक नंबर 426 मेरा शहर है मैं बीमार हूँ मेरा घर वाला बीमार है मेरे निके निके बच्चे साढ़े को दवाई ली भी पैसे कोई नहीं है इतने भी मेरे कोई इलाज कोई नहीं मेरी कोई दवाई दारू कोई नहीं है मेरा नाम फरत विलियम है मेरा पासवर्ड भी कंपनी जो कंपनी ने मिनवा के जी दे 2 दिनों दे विच विच अपने पैसे न बने असी तेरे को फोन भी ले लेना उल्टा अगले दिन मैंने ऑफिस च मारन पै गया सी तैनु खुदा दा वास्ता जो मेरे बच्चे एक बारी मेरी मदद कर दो तैनु रब दा वास्ता जो मैं बड़ी गरीब हूँ बड़ी गरीब कपड़ी च फसी पी मैं पादरी कयूम दे थ्रू आई पादरी कयूम गोजरे बिशप हाउस के सामने रहिंदा उन्हें उतो कोई सच्ची गल नहीं सी दसी है कि इंज होएगा ये इंज होएगा उन्हें एक भी सच्ची गल नहीं सी दसी है कि सानू सारिया इतने सच्चिया गलों का पता लग गया है उतो नहीं सी उन्हें क्या है उन्हें ये नहीं सी क्या है कि कोई बीमारी होगी तो दवाई ना देंगे कहिंदा जी सारा कुछ ही होएगा ताडा ट्रीटमेंट होएगा ताडे ने इंज होएगा होएगा इतने आया तो कोई चीज नहीं गई है दिबले चौड़ा तो आलू तो सुहा कोई चीज नहीं तेरे मिन्नत करनी मेरे बच्चे आते सदी कर मेरी मदद कर दो किसी दिन मेरी मदद कर दो मेरे निके निके बच्चे ने मेरा घर वाला बीमार है डिस्क टूटी है और इन्ना पैसा नहीं भर सकता मेरे भैन भरा भी गरीब ने सानू कोई बैंक च भी नहीं लोन देने कि कोई मेरी जान छुड़ा सके कोई नहीं मेरा आसरा है कि खुदा तसम मैं खुदा को मदद मांगनी हूँ अपने भैन भरावों को जेड़े मेरी वीडियो वेखणगे मेरी मदद कर सकते ने तुहानू खुदा दे वास्ते पाकिस्तानियों मेरी मदद करो तुसीं भी पाकिस्तान दे मैं भी पाकिस्तान दी इज्जत वां कुछ दिन पहले एक मसीही बहन जो के इराक के शहर कुर्द के अंदर जो है कैद में है जिसको एक पादरी साहब ने फैसलाबाद के ने पैसे ले के 2 लाख रुपया उनको इराक भेजा मुलाजमत के लिए लेकिन वहाँ उन बेचारी से 18 घंटे मुलाजमत के दौरान उनसे भेजा सख्त काम लेते रहे और उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। अब ये बच्ची बीमार है बहन हमारी और उसने एक वीडियो वायरल की। जब वीडियो वायरल हुई तो उस पादरी से हमारे कराची डिवीज़न के सदर ने फैसलाबाद में बिशप के वसादत से रब्ता किया। तो जब बिशप ने पादरी कयूम से जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ लेकिन वो बिशप साहब के पास नहीं आए और वहाँ से वो अपनी फैमिली को लेकर घर को ताला लगा के चल नामालूम मुकाम पर चले गए। तो याद रखें कि हम उस बच्ची के साथ मुसलसल रबते में क्योंकि उस बच्ची से उन्होंने उनका मोबाइल भी छीन लिया और उसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है लेकिन जो और औरतें वहाँ पे उन्होंने उसका अपने मोबाइल से उसका व्हाट्सअप ग्रुप बना नंबर ऑन करके तो दे दिया है जिससे वो रहमान पैट्रिक जो कराची डिवीज़न के सदर हैं उनसे मुसलसल रबते में है और हमें हर चीज़ से आगाह कर रहे हैं। मैं अपने पाकिस्तान के तमाम मसीही अवाम से अपील करता हूँ ख़ास तौर से पंजाब के लोगों से खुदारा अपनी बेटियों को रोज़गार के लिए बाहर मत भेजें ख्वाह वो मजहबी रहनमा हो या कोई भी हो। और आपने देखा कि चाइना के चक्कर में भी अपने मसीहों ने ही लोगों को वरगलाया और बहन बेटियों के कोई शादी का चक्कर दे के चाइना भेजा उसका अंजाम भी आपके सामने। खुदारा मैं आपसे अपील करता हूँ कि किसी बहन बेटी को आप मुल्क से बाहर मत भेजें और मैं उन बहन बेटियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो अपना ज़ाती कारोबार खोलना चाहती हैं तो खुदारा जब किसी गैर के साथ या किसी के साथ भी कारोबार करें तो अपने भाई या अपने बाप के ज़रिए उनका एग्रीमेंट करें खुद एग्रीमेंट ना करें। क्योंकि अभी कराची की एक बच्ची ने रेस्टोरेंट खोला और कोरोना की वजह से जब वो नहीं चल सका तो जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे पार्टनर से उन्होंने उसको जेल में डलवा दिया चेक बाउंस करवा के।
तो वो बेचारी, क्योंकि एग्रीमेंट उनके नाम का था। तो खुदारा मैं मसीह अवाम से अपील करता हूँ कि खुदारा अपने आप को संभालें, और गुर्बत है, सब कुछ है, लेकिन हमने बड़ी दानिशमंदी देखी है। खुदा ने कहा रूह से भी चलो और अक्ल से भी चलो। और हम अब अराकी सफ़ीर से कल हम रबता करेंगे, और उनको क्यों कंपनी का नाम हमें मालूम चल गया है, हम अराकी कौंसलेट से भी बात करेंगे, अराकी एम्बेसडर से भी बात करेंगे, और पूरी कुव्वत और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल से भी रबता करेंगे, ताकि इस कंपनी को सील किया जाए, या इस कंपनी को जो है, जो उन्होंने बंदियों को रेगुलर माल बनाया हुआ है, उनको आज़ाद किया जाए। क्योंकि कंपनी ने उस बच्ची को कहा है कि ये आपने 2 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, आप इधर से जा नहीं सकती। तो हम देखते हैं कि जब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों, जब उनको पूरे सहूलतें ना मिल रही हों, तो एग्रीमेंट कोई काम का नहीं रहता, एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो हम अराकी हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इस चीज़ का नोटिस लें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि पादरी कयूम के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए, और ऐसे लोग जो जाली तरीके से और लोगों को गुमराह करके पैसे बटोर के मौत के कुएं में डाल रहे हैं, मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।